विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश की ए और बी क्रिकेट टीमों के बीच मैच कराया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित हुए और एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सेक्टर 10 क्रिकेट मैदान में प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेटरों के बीच मैच आयोजित कराया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि का एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय कराया। तत्पश्चात दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आयोजन की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज क्रिकेट मैच का जो है आयोजन किया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि दिव्यांग बच्चों को भी यदि हम बराबरी की अपॉर्चुनिटी दें तो वो भी जिंदगी के हर पहलू में अच्छा कर सकते हैं। जिस जोश को उसके साथ ये काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है, और जो बाकी दिव्यांग देश भर में है वो भी इससे जो है प्रोत्साहित होते हैं। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा भिलाई ग्राउंड में हमेशा यहाँ पर सभी वर्गों के लिए कार्य किया जाता है, और ये जो आयोजक हैं जो बता रहे थे कि काफ़ी बार नेशनल गेम्स भी जीते हैं डिसेबल्ड का, और जूनियर टीम सीनियर टीम दोनों हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और ये जो है इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव और एक अन्य पदाधिकारी ने आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने आज अपनी सीनियर ए टीम और बी टीम के बीच में दिव्यांग क्रिकेट का मैच कराने का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में एक पुनरुत्साह पैदा किया जाए, ताकि आज के दिन का जो मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिव्यांग दिवस मनाया जाता है उसकी परिकल्पना को स्वीकार करते हुए बच्चे ये समझें कि आज सारा समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और संस्था हमेशा से उनके साथ में खड़ी हुई है। अभी जैसे ये टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन जो ये छत्तीसगढ़ ए और बी टीम का मैच हो रहा है, अभी एक आपको जैसा पता होगा कि जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन जो छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया है उनको क्या है, BCCI से जो मान्यता का बहुत दिन से लोधा कमेटी में जो मैटर चल रहा था वो शॉर्ट आउट हो गया है, तो BCCI से जो दिव्यांग क्रिकेटर्स को जो मान्यता का जो चल रहा था उसमें हरी झंडी आ गई है, और रवि चौहान जी जो ऑल इंडिया में इसके हेड हैं उनको उस कमेटी का हेड बनाया गया है। तो उस जैसा हमारे कैलेंडर में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन कैलेंडर में एक है कि इस बार एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल पर होना है, उसके दो मैचेस हमको होस्टिंग करने के लिए मिल रहे हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें तीन टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर इंडिया, इंडिया ए, इंडिया बी टीम। उसका एक मैच हमारे यहाँ भिलाई में ऑर्गेनाइज करने का हमको इन्विटेशन आया है। 20 फरवरी से 24 फरवरी वो टूर्नामेंट रहेगा, और वो जो टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट की कप की लॉन्चिंग जय शाह साहब और अनुराग ठाकुर साहब जी करेंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारे यहाँ होने जा रहा है 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में। क्षेत्र में अग्रणी संस्था श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की सचिव जसबीर कौर ने मैच में फाउंडेशन के योगदान को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं जसबीर कौर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सेक्रेटरी पद पर उपलब्ध हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो आयोजन किया गया है उसमें श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन ने पूरा बीड़ा उठाया है। पूरी सहभागिता देते हुए खिलाड़ियों का आने जाने का TA DA यहाँ का उनके खाने की व्यवस्था और कप वगैरह की सारी व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। आगे भविष्य में भी संस्था इसी तरह से बच्चों के साथ में अपना सहयोग देते रहेगी। आइए देखते हैं क्रिकेट मैच की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।